नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी हो या बाकी महिला मोर्चा की बात करें, युवा मोर्चा की बात करें, सब ने आज जगह जगह अलग अलग तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया। बड़ी दिलचस्प बात है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पेरेंट बॉडी और बाकी दीगर उनके युवा मोर्चा कहें, महिला मोर्चा कहें या बाकी जितने भी उनके सेक्शन थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहे थे, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस और कांग्रेस के दूसरे यूथ कांग्रेस NSUI वो मिलकर के आज बेरोजगारी के खिलाफ एक अभियान चला रहे थे। और जगह जगह उन्होंने भी जगह जगह प्रदर्शन किए, जगह जगह हस्ताक्षर अभियान चलाए, जगह जगह उन्होंने प्रोटेस्ट करके ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को हम बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन पहले हम आपको लिए चलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन कहां कहां पे मनाया गया। पहले हम सीधे आपको गोल मार्केट, जो गांधीनगर कैंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आता है, वहां पे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। नरेंद्र मोदी साहब विश्व के सबसे लोकप्रिय और सबसे ताकतवर नेताओं में उनका शुमार आता है। आज करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के जन्म दिवस को मना रहे हैं और सेवा कार्यों को लेकर पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर गांव, शहर, गली, बस्ती, मोहल्ले में सेवा कार्यों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के इस जन्म दिवस को मना रहे हैं। हम परमपिता परमेश्वर से, माँ भगवती वैष्णो देवी जी से प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती की अपार कृपा हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पर हमेशा बनी रहे और मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व का मार्गदर्शन करता रहे और विश्व प्रेरणा का केंद्र भारत बने। यही प्रार्थना आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के जन्मदिवस पर हम कर रहे हैं। दर्शकों, ओल्ड एज होम में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर वहां पर लोगों में सामान वितरित किया। जो बुजुर्ग वहां पर थे उनको खाने पीने की वस्तुओं को वितरित किया गया और ये इस उपलक्ष में किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिवस था। प्रोग्राम 10 सितंबर को नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और इस दिन पर भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरे समाज के लोग जो हैं वो सेवा कार्य करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि 17 सितंबर से लेकर आज से लेकर 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण के कार्य जो हैं वो किए जाएंगे। और नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी ने जो देश की सेवा की है, आम समाज की सेवा की है, देश का मान सम्मान बढ़ाया है, उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, तो आज के दिन हर व्यक्ति और विशेष तौर पर हम लोग भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी की दीर्घ आयु हो, वो देश का नेतृत्व करते रहें, देश का मान सम्मान बढ़ाते रहें और उसके साथ साथ ही हम उनकी प्रेरणा से देश और समाज की सेवा करते रहें। दर्शकों, जगती टाउनशिप, यहाँ कश्मीरी पंडित विस्थापित रहते हैं, वहाँ पर महिला विंग
ने भी जन्मदिवस मनाया और वहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम पर केक काटा और लोगों में वितरित किया और प्रधानमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है, उसके लिए मैं आप सबको, जगती के सारे वासियों को, बहनों को, बच्चों को, पुरुषों को और अपने जेएनके के लोगों को, साथ में पूरे भारतवर्ष को मैं बधाई देता हूँ कि हमारे इस युग में, जिस युग में हम पैदा हुए हैं, इस युग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा आदमी हमारे साथ है और वो हमारा प्राइम मिनिस्टर बना है। इसके लिए हम सबको बधाई देते हैं कि आने वाले दिनों में और जितने भी कार्यकाल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का होगा, उसमें भी दोबारा ये प्राइम मिनिस्टर बने और भारत को एक सोने की चिड़िया, जिसको हम कहते हैं, उस राह पर चलाएं। दोस्तों, पूर्व मंत्री श्याम चौधरी, उन्होंने भी आरएसपुर और चुकरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर कई कार्यक्रमों को आयोजित। साथियों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवनी के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से निकलकर संगठन का काम करते हुए गुजरात का सीएम का पद लेकर काम किया और उसके बाद अब देश का प्रधानमंत्री बने, 7 साल पूरे हो चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो कार्य किए हैं, हम सबके ध्यान में, और ऐसे कार्य किए हैं जो आज तक ना कोई कर सका, शायद ही आने वाले समय में कोई कर सके। इसलिए हम सब ने उनकी लंबी आयु और सेहत ठीक रहे उसके लिए परमपिता परमेश्वर से यही दुआ करनी है कि वो स्वस्थ रहे और हमारे देश की कमाल लंबे समय तक। और भारतीय जनता पार्टी मिलकर दोनों ने आरएसपुरा में स्वच्छता अभियान चलाया है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री को सब ये जितने भी हमारे वाइस चेयरमैन हैं, म्यूनसिपलिटी काउंसलर हैं, हमारे ईओ साहब हैं, बाकी म्यूनसिपलिटी का जितना भी स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, आज प्रधानमंत्री साहब को यही मुबारकबाद देंगे उनके जन्मदिन पर कि हम अपने आरएसपुरा को स्वच्छ और साफ रखेंगे। और आज से जितने भी हमारे म्यूनसिपलिटी के कर्मचारी हैं, ये भी प्रण कर रहे हैं और हमारे सफाई कर्मचारी भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है और ये पूरे देश में और हर मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर मनाया जा रहा है। उसी तरह आज चकरोई मंडल का ये दिन 71वां जन्मदिन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का मना रहे हैं। मोदी साहब ने जो कार्य अपने जीवन में किए हैं, सब ऐसे काम हैं जो एक मिसाल हैं। मोदी साहब ने संगठन से निकलकर, स्वयं सेवक संघ से निकलकर संगठन का काम किया, संगठन का काम करने गुजरात का 13 साल एज ए चीफ मिनिस्टर काम किया और गुजरात को एक मॉडल रियासत बनाया और वो देश के नक्शे में गुजरात ही एक रियासत थी जिसमें हर लोग वहाँ काम करते थे और इसी तरह की सिस्टम बनाया, गुजरात एक मॉडल स्टेट बनी। उसके देखते उसके बाद 7 साल देश का प्रधानमंत्री बने, आज देश उस दिशा में जा रहा है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। भारत देश वो जो विश्व गुरु था और आज विश्व गुरु का सपना जो देखते थे, वो आज साकार होने जा रहा है। दर्शकों, अब हम बात करेंगे कांग्रेस की। तो कांग्रेस में सबसे पहले हमने एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन से बातचीत की, तो उन्होंने तो प्रधानमंत्री को मुबारकबाद दी, लेकिन साथ ही साथ कहा कि आज के दिन को वो
बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएंगे। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने जब ललकार रैली को आयोजित किया गया था, उस रैली के दौरान उन्होंने ये दावा किया था कि 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन ये दावा खोखला साबित। सबसे पहले तो हम अपने प्रधानमंत्री जी को जो है शुभकामना देने चाहेंगे आज के जन्मदिन के अवसर पे, और ये कामना करेंगे कि आज ही के जन्मदिन पे कम से कम वो जो है जो उन्होंने वादे किए थे इस देश के युवाओं के साथ, 2-2 करोड़ हर साल रोजगार देने का जो वादा किया था, वो उन्हें जो है दोबारा याद आए। और मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये कांग्रेस पार्टी द्वारा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा, ये आम जो युवा है इस देश के, और ये पिछले साल उससे पिछले साल से ये एक रीत बन चुकी कि जो बेरोजगार युवा है वो आज के इस दिन को जो है बेरोजगार दिवस के नाम पर जो है वो मनाते हैं, और एक सिंबॉलिक जो है संदेश जो है प्रधानमंत्री जी को उन्हीं के दिए हुए भाषण जिन्होंने उन्होंने 2-2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था उनको याद दिलाने का काम करते हैं कि जो इस देश का युवा है वो आज बेरोजगार है। और ये हमारा नहीं, ये इन्हीं सरकार का सरकारी आंकड़ा कहता है कि आजाद भारत के बाद जब से भारत आजाद हुआ है सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो आज के इस वर्तमान के समय में है। और इससे भी ज्यादा चिंता का विषय ये हो जाता है कि बेरोजगारी तो है ही है, परंतु इस देश का युवा तब आहित होता है कि जब इस बेरोजगारी के ऊपर सरकार जो है वो चर्चा तक नहीं करती है और इसके ऊपर जो है गंभीरता से कोई योजना नहीं बनाती है, संवाद नहीं करती है, युवाओं के बीच में नहीं जाती है, तब जो है इस देश का जो युवा है वो उससे भी ज्यादा जो है वो आहित होता है। दर्शकों, यूथ कांग्रेस ने आज सिग्नेचर अभियान चलाया, और सिग्नेचर अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी वादे किए थे वो अपने वादों पर खरे नहीं उतर पाए, लिहाजा उनके जन्मदिन को बेरोजगार दिवस में मनाया जाए। युवा कांग्रेस आज हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक असेंबलीज में अपना रोष प्रकट कर रही है। जैसे मोदी जी ने बोला कि पकोड़े तल के भी आप अपना रोज़गार बना सकते हो, तो मास्टर्स जिन्होंने एमटेक की हुई है, जिन्होंने बीटेक की हुई है, वो भी पकोड़े भी तलेंगे, वो शूज़ पॉलिश भी करेंगे, और ये भी दिखाएंगे सरकार को कि ये हम जो मास्टर्स की डिग्री लेके, जो आपने हमें एक बड़ा अच्छा आइडिया दिया था कि आप अपने रोज़गार के लिए पकोड़े तलें, वहाँ वहाँ पे रोज प्रकट कर रहे हैं, हमने यहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन किया। और आप देख सकते हैं कुछ लोग आए थे कहते हैं इधर की आप झंडा लगा के कर रहे हो, ये पॉलिटिकल कर रहे हो, मैंने बोला ठीक है आप जैसे कहते हैं। इंडिपेंडेंटली लोगों ने, ये जो लोगों की मन की जो दुख है, उन्होंने ये प्रचार प्रकट इधर किया साइन करके, और ये बताया है कि वो कितने खफे हैं भाजपा सरकार से और खासकर नरेंद्र मोदी जी से, जिन्होंने बोला था कि मैं रोज़गार देने में भारतीय जनता पार्टी सक्षम है और रोज़गार देगी। आज हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजर जो सबसे ज़्यादा दरबदर ठोकरे खा रहे हैं, उनको इस सरकार ने ललकार रैली में वादा किया था हमारी सरकार बनते ही आपको पक्का किया जाएगा, आज वो युवा लोग अपना रोज़गार के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। दर्शकों, NSUI ने भी प्रोटेस्ट किया, और उनका भी ये तर्क था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर हम ये आह्वान पब्लिक से करना चाहते हैं कि उन्होंने या केंद्र सरकार ने जो जो रोजगार के वादे किए थे वो पूरी तरह से विफल साबित हुए। ठीक है, ऊपर 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 करो यार, ये बेरोजगारी दिवस आज क्या है, बेरोजगारी दिवस युवा क्या मांगे, जम्मू के युवाओं को रोजगार,
45 साल की सबसे ऊपरी स्तर पे बेरोजगारी दर पहुंच चुकी है और जम्मू कश्मीर और चाहे पूरे हिंदुस्तान का युवा आज सड़कों के ऊपर है, बेरोजगार है। जब लोग रोजगार मांगते हैं उनको लाठी डंडों से स्वागत किया जाता है। 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन 80 करोड़ लोग कौन है? वो लोग बेरोजगार हैं, उनके पास जरिया माश नहीं है, इसलिए आपसे 5-5 किलो राशन लेने पर वो मजबूर हैं। इसलिए आज हम 17 सितंबर को राष्ट्रीय अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में मना रहे हैं। आने वाले दिन तक, जब तक ये कुशासन मोदी जी का खत्म नहीं होता, हम मनाते रहेंगे। दर्शकों, स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी निगत बशीर पर हमला हुआ है। एक खिलाड़ी ने उनसे वेरिफिकेशन की मांग की, जब वेरिफिकेशन नहीं हुई तो हाथापाई होगी, इतनी ज़्यादा हाथापाई होगी, इतनी कहा सुनी होगी कि उस स्पोर्ट्समैन ने, उस लड़की ने हमला कर दिया जिसमें वो घायल हो गई। दर्शकों, काउंसिल के स्थानीय अधिकारियों ने विस्तार से बताया कि कुछ फेडरेशन, कुछ एसोसिएशन ऐसी होती हैं जो अपने लेवल पे प्रतियोगिताएं करवाती हैं, तो उनकी वेरिफिकेशन कैसे की जा सकती है, इसको लेकर के ही सारा विवाद हुआ था। उन्होंने कहा कि ऐसे जो गैर पंजीकृत एसोसिएशन होती हैं वो अपने लोगों को कोई भी सर्टिफिकेट दे सकती हैं, दे देती हैं, और उसकी वेरिफिकेशन करना मुश्किल होता है। इसी बात पर ये विवाद हुआ है। ये कराटे की जो लड़की है निजात बशीर, ये हमारे डिपार्टमेंट श्रीनगर में अपना सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन के लिए आई थी, लेकिन जहां जो वह हमारा स्टाफ था उन्होंने कहा कि ये वेरिफिकेशन ग्रुप एसोसिएशन की तरफ से होता है, हमारी तरफ से नहीं है, क्योंकि हमारी जो स्पोर्ट्स काउंसिल है वो जो रिकॉग्नाइज जितनी भी एसोसिएशन है वो जो हमारे साथ एफिलिएटेड है, जिनको हम फंडिंग करते हैं, तो हम उन्हीं का करते हैं। ये जो अनरिकॉग्नाइज एसोसिएशन है उसमें हमारी सेक्टरी स्पोर्ट्स काउंसिल मैडम नुजरत गुल ने उनकी फंडिंग को रोका हुआ है, जो अनरिकॉग्नाइज एसोसिएशन है, क्योंकि वो सेल्फ स्टाइल चैंपियनशिप होती है उनकी, और ये नेशनल में भी मेडल ला रहे हैं, इंटरनेशनल में भी मेडल ला रहे हैं, लेकिन वो कहीं भी उसमें फॉल नहीं करते हैं, जो कि जैसे कि रिकॉग्नाइज एशियन चैंपियनशिप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो वो उसमें कोई फॉल नहीं करते हैं। तो मैडम ने यही बोला कि हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। दर्शकों, जम्मू में खिलाड़ियों ने प्रदर्शन भी किया और अपना रोष व्यक्त किया कि इस तरीके से जो व्यवहार सेक्रेटरी के साथ किया गया है वो नाकाबिले कबूल है। जो हमारे स्टेडियम की सेक्रेटरी मैम है उनके ऊपर किसी ने अटैक किया किसी बच्चे का, तो वो बहुत शेमफुल बात है, क्योंकि स्पोर्ट्स हमें डिसिप्लिन सिखाती है और स्पोर्ट्स पर्सन डिसिप्लिन नहीं फॉलो करेंगे तो कौन करेगा। तो वे बहुत ज़्यादा बहुत शेमफुल होती है एक चीज़, क्योंकि स्पोर्ट्स हमें एक रिस्पेक्ट और हमें रिस्पेक्ट देना सिखाती है, तो ये बहुत शेमफुल है। सर, ये जो हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल की मैडम है, सर सेक्रेटरी मैडम है, सर इनपे जो टैग हुआ हम सब उनकी कड़ी निंदा करते हैं, बिल्कुल ही होना चाहिए सर, ये एक प्लेयर को कभी नहीं करना चाहिए सर, डिसिप्लिन से सबसे जरूरी होता है, ये बहुत गलत हुआ सर, हम इसकी कड़ा निंदा करते हैं सर। दर्शकों, महबूबा मुफ्ती इन दिनों दौरे पर हैं और आज भी महबूबा मुफ्ती ने 370 और 35 ए का राग अलापा है। उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार बार बार ये कहती है कि 370 और 35 ए विकास और रोजगार के लिए हर्डल बना हुआ है, तो उन्होंने कहा कि सरकार सफाई दे, भाजपा सफाई दे कि अब
इस हर्डल के दूर करने के बावजूद भी ना तो विकास हो पा रहा है और ना ही रोजगार मिल पा। समझते हैं कि जो दफ़ा 370 और 35 से हटाने के बाद जो मरकजी सरकार के बुलंद बांध दावे थे कि ये बहुत बड़ी रुकावट है तरक्की में, वो बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। एक तो पहले ही लोगों की पगड़ियां उछाली गईं, लोगों का तशख्स छीना गया और उसके बाद जो तरक्की का ढोंग ये मचा रहे हैं बता रहे हैं। मुझे कहीं भी जितने भी लोग मिले शिकायतें हैं, हमारी सड़कों का हाल बहुत बुरा है, बिजली का हाल तो उससे भी ज़्यादा बेहाल है और बेरोज़गारी सबसे बड़ी चीज़ है। कि पहले तो जैसे आपको याद होगा मुफ्ती साहब के टाइम में रहबर तालीम टीचर लाखों की तादाद में हमने एम्प्लॉय किए थे, उसके बाद रहबर सेहत, रहबर ज़रात, आज तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि जो बॉर्डर्स पे बटालियंस बनती थी वो भी बिल्कुल बंद हो गया है। यहाँ के लड़के मैं पुंछ में भी देखा, सुरनकोट में भी देखा कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इवन PhD लड़के SPO की नौकरी के लिए जाते हैं, उनको वो भी नहीं मिलती है। और हमारी रियासत में 18.5% बेरोज़गारी है जो मुल्क में सबसे ज़्यादा है, जो बिल्कुल जो पहले के बरक्स है जब 370 था। तो मैं समझती हूँ कि जो 370 ये सिर्फ यहाँ के तशख्स की रखवाली नहीं करता था बल्कि हमारी ज़मीनों की, हमारी जो नौकरियाँ हैं, हमारी हर चीज़ की ये रखवाली करता था। और बदकिस्मती से अभी तो नौकरियां देने के बजाय नौकरियां ली जाती हैं। अभी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को उनको बर्खास्त करने की बात हो रही है, आपने देखा जम्मू कश्मीर में कई मुलाजमों को बर्खास्त किया जा रहा है। दर्शकों, बीजेपी का कहना है कि कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती के पास और कोई शब्द नहीं है और कोई स्टेटमेंट नहीं है चर्चाओं में बने के लिए, वो आए दिन इस तरह की स्टेटमेंट देती रहती। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो 370 को लेकर एक स्टेटमेंट दी है उसका हम भली भांति समझ सकते हैं क्या मूल कारण है। कारण यही है कि 370 की आड़ में आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने जो लूट खसूट जम्मू कश्मीर की रियासत में मचाकर रखी थी उससे अब जम्मू कश्मीर के लोगों को निजात मिल चुकी है। 60-70 साल में अरबों के हिसाब से जम्मू कश्मीर की रियासत में पैसा आया, लेकिन किसकी जेब में पैसा गया? वही चंद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, वही PDP के लीडर और वही कांग्रेस के लीडर। अब जब हकदार को हक मिल रहा है, एक रुपया भी अगर सेंटर से आ रहा है वो हर एक इंसान की जेब में जा रहा है, ज़मीनी स्तर पर काम हो रहे हैं। यहाँ पर आप सड़कों का जाल देख लीजिए और कई तरह के ऐसे मसले थे जो 370 से पहले यहाँ पर थे, अब उनको आहिस्ता आहिस्ता निवारण हो रहा है। शायद यही चीज़ इनको नागवारा हो रही है। दर्शकों, आखिर में हम आपको बताएंगे कि PHE के डेली वेजर जिन्होंने करीब 50 दिन पहले चेन हंगर स्ट्राइक की थी, उसके बाद उनके 3 लोग पॉजिटिव हो गए थे, COVID-19 पॉजिटिव हो गए थे, फिर उन्होंने बंद कर दी थी, लेकिन अब 21 सितंबर से दोबारा वो चेन हंगर स्ट्राइक पर जाने वाले। पिछले दिनों 50 दिन तक भूख हड़ताल चली थी, जो हमारी कोविड, हमारे जो 3 साथी थे मेन, जिसमें मैं भी, ताज जी और होशियार जी, तीनों के पॉजिटिव हो जाने के कारण जिसे हमें रोकना पड़ा था। 21 सितंबर
मंगलवार से हम उस स्ट्राइक को दोबारा शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने हमारी एक भी डिमांड जो है आज तक पूरी नहीं की है। जैसा कि राजभवन के अंदर LG मनोज सिन्हा साहब की तरफ से हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया गया था कि DDC इलेक्शन के बाद आपके तमाम मसले जो हैं वो हल किए जाएंगे, लेकिन आज तक कोई भी मसला जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। हम सरकार को और LG साहब को अपील करना चाहते हैं कि हमें बार बार मजबूर न किया जाए सड़कों पर आने के लिए। अगर सरकार इसी तरीके का डुलमुल रवैया अपनाती रहती है तो आने वाले दिनों में हमें सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। आज हम उसी स्ट्राइक को दोबारा रिव्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार ने इन 4 महीनों के अंदर हमारे लिए कुछ सोचा होता तो हम ऐसा नहीं करते, लेकिन सरकार का जो ये एंटी एम्प्लॉयज एटीट्यूड है वो लगातार जारी है। मैं अपने सभी साथियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मंगलवार 21 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चीफ इंजीनियर कॉम्प्लेक्स के अंदर आएँ जो जम्मू डिवीज़न में फॉल करते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ 100 लोगों का यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा हुआ है। जम्मू मैकेनिकल साउथ City 1 City 2 और रूलर, ये 4 डिवीज़नों के लोग जो हैं डेली वेजर जो हैं वो जहाँ 10 बजे PHE कम्प्लेक्स के अंदर आएँ, ताकि हम अपनी आवाज़ को है जो सरकार तक पहुँचा सकें। उनका ये कहना कि एसेंशियल सर्विसेज में आता है PHE, 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, उसके बावजूद भी नगर निगम या डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ को 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस किया था COVID-19 के, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिया गया। पिछले दिनें जी साड़ी चैनल स्ट्राइक चली, किस वजह करने अस लोग पॉजिटिव होए ते बड़ा बड़ा सानू नुकसान सहन करना पिया। सानू पूरी आशा ही गवर्नमेंट ये सारा सिस्टम देखते हुए सानू कुदा ना कुदा किसी ना किसी रिलीफ देग। मगर अफसोस है साढ़े कन्नै पहले भी मानव अधिकार के उलंघन होंदे आए 25 साल के, तो अज भी LG सरकार होने के उपरांत भी साढ़े कन्नै उहे व्यवहार चला दा। बनी दी संस्था मगर साढ़े डेली वेजर क्लास ताईं अजे तक कुसै संस्था ने काम नहीं किया, ना गै कुसै सरकार ने सही रूल कन्नै साढ़े कन्नै कोई व्यवहार किया। साढ़े 6-6 साल का 72 महीने का पेंडिंग वेजी फसे दा सरकार कोल, ते प्लस जिहड़ी रेगुलाइजेशन पॉलिसी 1-7 साल का टाइम पीरियड हुंदा है, असीं 25-30 साल होए डिपार्टमेंट की सेवा दिंदे, मजबूर असीं हुण फिर एक बारी एकड़ा रस्ता फड़ने पवदा जिहड़ा 21 तरीक कोला प्रोसेस साडा फिर शुरू होना है, एक दिन का प्रोटेस्ट, उहदे बाद उसे दिन अगली रणनीति का फिर आगाज़ किया जाए भाई किस तरीके ने अस गवर्नमेंट पर प्रैशर बनाई सकने आ। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, मुझे दीजिए इजाजत।